हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पीयूष है। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ये बात कुछ दिनों पहले की है। मैं ऑफिस से घर आ रहा था कैब के थ्रू। मेरे साथ 3-4 लोग थे और हम जिस कार में थे उसका ड्राइवर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था। हमने ऐसे ही बात स्टार्ट की उनसे ही नॉर्मली, तो वो अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे अपनी फैमिली को लेके और फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ वो कितना फ्रस्ट्रेटेड थे अपनी लाइफ से। हमने ऑब्ज़र्व किया कि वो जब अपनी स्टोरी बता रहे थे उस टाइम पे उनको बस ये था कि मैं सुसाइड कर लूँ या मैं मर जाना चाहता हूँ। ये सब हर एक बात के बाद वो इन सारे वर्ड्स का यूज़ कर रहे थे। तो हमने उनको समझाया, कैब में जितने लोग थे हमने उनको बताया, अंकल सबका बुरा टाइम आता है, अच्छा भी आता है, और यही सब बताया। बट धीरे एक एक करके सबका ड्रॉप हो जाता है, लास्ट में फाइनली मैं बचता हूँ। तो मेरे ड्रॉप के टाइम पे मैं कैब से निकलता हूँ और मैं उनसे बोलता हूँ, अंकल रिक्वेस्ट करता हूँ, अंकल एक मिनट बाहर आएंगे। तो वो बाहर आते हैं, मैं उनको एक प्यारी सी झप्पी देता हूँ और उनसे बोलता हूँ, अंकल टेंशन मत लो, लाइफ में गंदा टाइम निकल जाता है और अच्छा टाइम भी आता है, तो आप उस अच्छे टाइम का इंतज़ार करो और खुश रहो। तो वो बोलने लगे, बेटा मैं कैसे रहूँ ये वो। मैंने कहा, अंकल अगर आप ये सोचोगे ना कि आपके लाइफ में इतनी टेंशन्स हैं तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। आप ये सोचो ना, आपकी लाइफ है, आप इंजॉय करो उस लाइफ को। मैंने उनसे बोला, अंकल मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अपने पेपर पे ये लिखता हूँ कि हरिंदर सिंह इज़ द बेस्ट मैन, और वो बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। तो इसके बाद वो चले जाते हैं। फिर मैं थोड़े दिन बाद उनसे मिलता हूँ कैब में ही। तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि वो बोरिंग है या फिर अपनी फैमिली से रिलेटेड। वो अच्छा भला हमें गाने सुनाते हुए लाए और लास्ट आप जैसे कि लास्ट आप फिर से मेरा हुआ। तो मैंने उनसे बोला, अंकल क्या बात है, आज काफ़ी खुश लग रहे हो, सब फैमिली में अच्छा। तो वो मुझसे बोलते, बेटा फैमिली में तो सब वैसे ही है बट मैं खुश रहना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगा सुन के कि फाइनली वो खुश रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बस यहाँ पे ये शेयर करना चाहता हूँ, अगर हम खुश रहेंगे तो कभी ना कभी अपनी फैमिली को भी खुश कर सकेंगे। और हमेशा हमेशा हमें अपने आस पड़ोस के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।